नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि धन ऐप में आप शेयर को कैसे खरीद व बेच सकते हो। तो यहाँ पे गाइस दो धन ऐप है, जो कि एक है धन ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सेपरेट ऐप बना रखा है, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स बता रखे हैं और ऑटोमेटिक आप स्कैन करके पता कर सकते हो कौन सा स्टॉक्स आप वहाँ पर अच्छी वॉल्यूम है, सब कुछ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमारा ये धन ऐप, जिसमें हम शेयर खरीद बेच सकते हैं और शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो आपको बताता हूँ कैसे शेयर को ख़रीदना और बेचना है हमें। ठीक है, तो कैसे आप शेयर को खरीद कर बेच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉप मूवर्स देख लेते हैं मार्केट में। ये जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में आज अच्छी तेज़ी है। यहाँ पर लूज़र्स बता देगा, 52 वीक में हाई कौन से हैं, लो कौन से, ये हमें बता देगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर वॉच लिस्ट देख सकते हो। तो इस वॉच लिस्ट पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके अकॉर्डिंग जो भी शेयर है आप इस वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उनको बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सर्च का ऑप्शन है, तो इस सर्च के ऑप्शन में हम एक शेयर को सर्च कर लेते हैं, जो कि लेमन ट्री होटल्स, इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है तो इसी को हम बाई करके देखेंगे। ठीक है, ये वॉच लिस्ट आप जिस भी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहो कर सकते हो। न्यू वॉच लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दे वो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इस शेयर की एनालिसिस करते हैं। 95 रुपये के आसपास चल रहा है, एक ब्रेकआउट लेवल पे है। इसको कैसे बाय करना है गाइस, तो यहाँ पे देखिए कि बाय का ऑप्शन इस जगह मिल जाएगा, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके टेक्निकल्स में आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चार्ट एनालिसिस के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको चार्ट पर क्लिक करना है। चार्ट पर अभी हम देख के एनालाइज कर लेते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पे हमें इसको बाई सेल का है। ठीक है, 95 के आसपास एक डे हाई के आसपास है ये भी। ठीक है, कैंडल स्टिक्स इसमें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देखनी हो। तो हम इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो 15 मिनट लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें बाई करना चाहते हो डिलीवरी के अंदर, तो वहाँ पर आपको वन डे में आप एनालिसिस कर सकते हो, 1 आवर में भी। तो हम यहाँ पे बाइंग के ऑप्शन पे देखेंगे, तो बाई करने के लिए आपको बाई पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तो ट्रेडिंग दे रखा है, दूसरा है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग पे क्लिक करते हो तो ये इसमें अगर बाई करते हो तो ये इंट्रा डे के लिए बाई होगा। इन्वेस्टिंग में ओके करते हो तो ये होगा हमारा बाई, किस में, डिलीवरी के अंदर। ठीक है, तो इस शेयर को अगर आप होल्ड करना चाहते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन महीना साल ऐसे, तो आप इन्वेस्टिंग के अंदर बाई कर सकते हो। आज के आज खरीदना और बेचना हो तो आप ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑर्डर है MTF, आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो उन 1 लाख के ऊपर आप देखिए कि और भी बहुत ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो, और इनका जो भी चार्ज होगा ये ले लेंगे, 2-3 गुने का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जो क्वान्टिटी खरीद सकते हो, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, 34,000 के शेयर है और इन शेयर को 34,000 में, जबकि यहाँ पर आपको वो इधर है। ठीक है, इंट्राडे में इन्वेस्टिंग में, ठीक है, मार्केट ऑर्डर 100 शेयर। चलिए यहाँ पे 1,000 करके देख लेते हैं। तो जो शेयर 95,000 के, वहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग में आपको 34,000 रुपये में मिल जाएंगे। इनको आप होल्ड भी कर सकते हो और इंट्राडे में बाई सेल करके बेच भी सकते हो, तो आपको ये फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर इंट्राडे के लिए आपको ख़रीदना और बेचना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ पे, और इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन मिलता है। ठीक है, तो इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 5,000 रुपये हैं तो मैं 50,000 का शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, 50,000 का शेयर खरीद आसान से सकते हो। मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 250 स्टॉक्स देख लेते हैं। तो चलिए 250 स्टॉक्स को हम बाई करते हैं। ये अगर हम बाई करते हैं तो आते हैं 1,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 5,000 के अंदर आप 23,000 का यहाँ पे देख सकते हो। मार्जिन ऐसा है कि देखिए, अगर आपके पास 10,000 हैं तो आपको 5 गुने मार्जिन मिल रहा है, मतलब कि 50,000 का। ठीक है, 10,000 रुपये हैं आपके पास, तो 50,000 के शेयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो इंट्राडे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है
लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप जो भी प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे उस प्राइस पे बाई होगा, हर किसी प्राइस पे बाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि मैं इस प्राइस और इस प्राइस के बीच में बाई करना चाहता हूँ, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर है कवर ऑर्डर, कवर ऑर्डर के अंदर आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो और लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो, आपको जिस प्राइस पर बाई करना है वो, और जहाँ पर आपको मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, टारगेट, स्टॉप लॉस और सब कुछ लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 15 बाइंग ऑर्डर ला देता हूँ, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 95 रुपीज़ पे। टारगेट प्राइस में डाल देता हूँ इसका 98 और 94, मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। मतलब कि 1 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, 3 रुपये का मेरा टारगेट है, तो ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हाँ 94 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कैसे आप यहाँ पे टैक्स वगैरह क्या बनता है वो भी, ठीक है। स्टॉप लॉस रेंज थोड़ी हमें अलग सिलेक्ट करनी होगी। अच्छा, पॉइंट में डालना है क्या? तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 94 रुपीज स्टॉप लॉस, पहले इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? जीरो पॉइंट 2515 बाई है ये तो, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग डालनी होगी, तो यहाँ पे 2.5% के आसपास ऐसे है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट 5-3% कैसे लगाना होगा हमें, ठीक है। जितनी रिस्क है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यह मैं बाय पे क्लिक किया और ये मेरा ऑर्डर हो चुका है पैलेस, ठीक है। 95.05 की प्राइस चल रही है अभी, जैसे ही ये प्राइस पर आएगा ऑटोमेटिक हमारा बाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल कैसे करना है, सेल सिंपल है, जब ये शेयर बाय हो जाएगा तब आपको सेल का ऑप्शन दिखेगा। जिस भी प्राइस पे अगर आपको प्रॉफिट है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट वगैरह आ जाता है, इसमें आराम से आप सब कुछ देख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, कंपनी कैसी है, ठीक है नहीं है, यहाँ से कर सकते हो। देखिए कंपनी ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, 2 साल में 252% का। और मेरा इस स्टॉक को बाय करने के पीछे सिंपल सा रीज़न है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है और थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है। 52 वीक हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी हो सकती है क्योंकि ये एक होटल सेक्टर का स्टॉक है और कोरोना में पिटने के बाद अब ये वापस अपने सही लेवल पर आया है, ठीक है। तो इसलिए चलिए देखिए हम बाई हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर हमारी स्टॉक्स है, ये हमारी पोजिशन है, अभी तक शायद बाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी बाय करना चाहते हो कर सकते हो। ऑर्डर्स में जाते हैं, ऑर्डर्स में भी ये पेंडिंग कैसे पड़ा है, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर है, अभी हमारा बाई नहीं हुआ है, ऑर्डर तो सेंड हो चुका है, बाई नहीं हुआ है क्योंकि इस प्राइस पे कोई आया नहीं है। और जो हम शेयर बाय कर रहे हैं उनकी वैल्यू है 20,900 रुपये, ठीक है। 20,900 रुपये का हम यहाँ पर शेयर बाय कर रहे हैं, उनकी वैल्यू आ रही है। एडिट करते हैं ऑर्डर को, चलिए वो एडिट करके देख लेते हैं। तो ये प्राइस डाल लें देखें, ठीक है। तो 90 आ तो रहा है पर बाई हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है कि इस प्राइस पे इसको कोई सेलर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सेलर नहीं मिल रहा है इसलिए ये बाइंग नहीं हो रही। मार्केट ऑर्डर लगा के देख लेते हैं, हो गया, चलो ठीक है। मार्केट ऑर्डर ट्रेंडिंग, ठीक है, ये बाय हो चुका है हमारा और अभी 11 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। 95 की हमारी बाइंग प्राइस है और ये देखिए 5 पैसे ऊपर जा रहा है, तो हमें 11 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो। सेल करने के लिए सिंपल सा आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अपनी ट्रेड और मैनेज पोजिशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर सेल का ऑप्शन है, जो भी क्वांटिटी डाली है उसको सेल कर सकते हो, ठीक है।
और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। तो इस प्रकार से ये हमारी बाइंग प्राइस है, ऊपर जाता है ये हमारा टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, अपनी पोजीशन को देख सकते हो, 11 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इस प्रकार से आप शेयर को खरीद व बेच सकते हो आसानी से, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए ये हमारा ओपन पोजीशन आ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अकाउंट ओपनिंग है, कोई भी AMC चार्ज नहीं है। बहुत ज़बरदस्त फीचर्स दे रखे हैं जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो चाहो वो कर सकते हो, ज़बरदस्त फीचर्स है गाइज। तो आप आराम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाइए और अपने इस डीमैट अकाउंट को ओपन कर दीजिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।